नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बेटी ने जब अपना परिवार खोया तो उसका गुस्सा मंत्री पर फूट पड़ा। घटना है झारखंड की। अपराधियों की गोली का शिकार बने बीजेपी नेता मांगो मुंडू के परिजनों से मिलने आए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो मांगो मुंडू की पुत्री प्रमिला मुंडू ने मंत्री को थप्पड़ लगा दिए, वो उन पर बरस पड़ी। ये पूरा माजरा देकर मौजूदा अधिकारी और दूसरे पदाधिकारी भौचक्के रह गए। दरअसल दोस्तों, मामला खूंटी में मांगो मुंडू और उनके पत्नी और बेटे की हत्या के बाद का है। इस हत्याकांड के बाद मंत्री नीलकंठ परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन मंत्री जी को देखते ही प्रमिला बेकाबू हो गई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मंत्री जी पर थप्पड़ बरसा दिए। प्रमिला आवेश में आकर बोले कि भागो यहाँ से, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैंने अपना परिवार खोया है। पिता और माता और भाई की हत्या आप लोगों की वजह से हुई है। हालांकि बड़ी मुश्किल से प्रमिला को उनके परिवार वालों ने रोका, लेकिन उसके बाद भी प्रमिला मंत्री पर झल्लाती रही। मामला बढ़ता देखकर मंत्री अपने काफिले के साथ महिला वार्ड से बाहर निकल आए और मंत्री के चेंबर में बैठकर कुछ युवकों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस घटनाक्रम के बाद मंत्री नीलकंठ मुंडा ने कहा कि ये घटना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मांगो मुंडा उनके परिवार के सदस्य जैसे थे और वे ही उन्हें राजनीति में लाए थे। हालांकि मंत्री जी इस मामले के पीछे किन लोगों का हाथ है, इस सवाल पर कन्नी काट गए और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत है और अभी तक पुलिस मांगो मुंडू और उनके बेटे लिपियान मुंडू और पत्नी लखमनी मुंडू के हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। इसी दौरान मांगो के बड़े भाई की पतोहू नावरी मुंडू भी बीच बचाव करने की कोशिश में लगी थी तो अपराधियों ने उसकी कमर में भी गोली मारी, जिसकी वजह से वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है और उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं मंत्री जी उनका पता लेने पहुंचे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।